वो मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। साथियों, लीडर कैसा होता है और नेता किस प्रकार काम करता है, मैं एक मां से पूछा, मां वोट किसको दोगी? मां ने कहा अपने बेटे को वोट दूंगा। हम कि बेटा कौन है? बोले मेरा बेटा रिक्शा चलाता है। एक बेटा नेता है। हम कि वोट किसको दोगी? नेता जी, जिस कप में चाय पी रहे हैं, एक कप गैस का कनेक्शन मेरे बेटे ने लिया है, बिजली का कनेक्शन मेरे बेटे ने लिया है, और एक झोपड़पट्टी मकान था, टपकता था, ये पक्का मकान भी मेरे बेटे ने दिया है। मेरी बहू शर्माती थी, सड़क पर जाती थी, एक शौचालय भी जब घर मेरे बेटे ने दिया है। साहूकार यहां में कर्ज लेता था इलाज के लिए, ये आयुष्मान का कार्ड भी 5 लाख का मेरे बेटे ने दिया है। अब कि बेटा कौन है? यही नहीं नेताजी, 70 सालों बाद कोई देश में नेता पैदा हुआ दिव्य और भक्त कुंभ में दलित समाज स्वच्छता कर्मचारियों का पैर धोने का काम किसी ने किया? मेरा बेटे ने किया। बेटे का नाम क्या याद है? नरेंद्र मोदी मेरा बेटा। लूटने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। इसी तरह राज्य में योगी जी, मैं कहा था भ्रष्टाचार नहीं, गुंडागर्दी नहीं। मित्रों, मैं गारंटी से कह सकता हूं, सरेआम दिन दहाड़े 12 बजे रात को या 12 बजे दिन में शिक्षिका के शूटिंग छुड़ा लेते थे लोग, छेड़ते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। कोई पुलिस वाला ईमानदार रिपोर्ट दर्ज कर लेता था तो लखनऊ से मियां जान का फोन आ जाता था, तो वह मियां जान का फोन आने के बाद वो ढूंढे छूट जाते थे। अब काशी नगरी से आसपास जिले से भी 12 बजे रात को भी बेटी शादी अटेंड करके अपने घर आ सकती है, कोई ढूंढा छेड़ नहीं सकता है। मित्रों, इस तरह के योगी का शासन। मित्रों, पहले बिजली का तार पकड़ते थे, करंट नहीं आता था, बिजली का बिल पकड़ते थे, करंट आता था। थका हारा किसान जब घर पहुंचता था, बीवी का शकल देखे बिना भोजन करता था अंधेरे में, तो 2 के 8 रोटी के बजाय 2 खाता था। योगी जी ने कहा 24 घंटे बिजली दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा उत्तर प्रदेश में योगी जी 24 घंटा लाइट मिलना चाहिए। अब थका हारा किसान जब घर पहुंचता है, किसान समाज का राजभर जवान पटेल वर्या मित्रों, जब बीवी का शकल देखकर लाइट में भोजन करता है तो 2 के बजाय 10 रोटी खाते हैं। मैं आपके चरणों में वंदन करने आया हूं। काशी विश्वनाथ धाम है यहाँ, एक ईमानदार तेजस्वी गरीबों के प्रति समर्पण, भारत में दुनिया के अंदर जय जय करने वाला ऐसा नेता है, राज्य के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। मैं अब आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, बहुत देर से बैठे हैं, कमल खिलाएंगे ना आप सब, पक्का आपका मतदान जातिवाद के नहीं पर होना चाहिए, मतदान पैसे में भी नहीं होता है, मतदान क्षेत्रवाद पर नहीं होता है, एक मत कितना ताकतवर होता है इसकी आप चिंता नहीं कर, आप जानते नहीं है। आपके एक मत के कारण अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मित्रों, आपके एक मतदान के कारण, आपके एक मतदान के कारण आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 370 धारा समाप्त हुआ, और अब श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर सेना पर पत्थर लोग नहीं बरसाते हैं, फूल फेंकते हैं, अब दलित शोषित पिछड़ा बैकवर्ड छात्रवृत्ति मिलता है और प्रधान बनने का महिलाओं को अधिकार मिलता है। मित्रों, ये व्यवस्था हुई। नहीं, पहली बार आपके मत से 3 तलाक मोदी जी ने समाप्त किया और समान नागरिक संहिता लागू करने का काम किसी ने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, नहीं, एक गरीब खुशहाल कैसे होगा, बेटी का सम्मान कैसे होगा, आस्था का
विश्राम कॉरिडोर का उद्घाटन मुझे एक कार्यकर्ता मेरा दिनेश यादव, उसने कहा नेताजी भाई साहब काशी विश्राम कॉरिडोर का तो उद्घाटन हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन काशी विश्राम धाम पर पहले 10,000 लोग दर्शन करने आते हैं, अब 1,00,000 लोग दर्शन करने आते हैं, अब एक नाविक भी खाली नहीं रहता है, रिक्शा चालक भी खाली नहीं रहता है, ऑटो वाला भी खाली नहीं रहता है, चाय बेचने वाला भी खाली नहीं रहता है, रेस्टोरेंट भी खाली नहीं है, होटल भी नहीं खाली है। ये काशी विश्वनाथ के लोगों को, काशी के लोगों को रोजगार देने का किसी ने काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया। नहीं, विरासत भी है, विकास भी है, काशी की पहचान सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व परिवर्तन किसी ने किया है मित्रों, आदरणीय मोदी जी ने किया है, आदरणीय योगी जी ने किया है। मैं आपसे चरणों में वंदन करने आया हूं, और कमल खिलेगा ना, पक्का एक बार कमल खिलाओ, मैं बोलूंगा कमल आपका एक खिलेगा, कमल 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 खिलेगा खिलेगा। कभी भी लक्ष्मी हाथी पर बैठ कर नहीं आती है, कभी भी लक्ष्मी साइकिल पर बैठ कर नहीं आती है, कभी भी लक्ष्मी आपके पंजे पर बैठ के नहीं आती है, लक्ष्मी तो कमल के फूल पर ही बैठ कर आती है। इसलिए कमल रूपी बटन को दबाओ और समृद्धशाली आप बनो, आपकी पहचान बनेगी, और आदरणीय मोदी जी योगी जी को मजबूत करो, आप मजबूत होंगे, आप खुशहाल होंगे। बाकी मोदी योगी पर तीन लोगों को जीवन में मत भूलना, किसको, मोदी को, किसको, मोदी को कभी मत भूलना, और दूसरा योगी को, तीसरा कमल के फूल को, यानी मोदी योगी कमल के फूल को कभी मत भूलना। यही 2024 तक जिस गरीब को पक्का मकान में पक्का मकान मिलेगा, जिस गरीब के घर पानी नहीं पहुंचता है स्वच्छ पानी पहुंचेगा, और शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, बेटी की शादी योगी जी करवाएंगे, मैं गारंटी से कह के जा रहा हूं मित्रों, और सीधा ठोक के कहता हूं। यही नहीं, 5 काम देखे तुम्हें करना पड़ेगा, बाकी मोदी योगी कर दे, 5 काम करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं कर सकते हो। पहली बार 27% ओबीसी मंत्री बने, 27 मंत्री ओबीसी पहली बार एक हुए केंद्र में बने मोदी जी के शासन में, और पहली बार पिछड़ों को नीट परीक्षा में मेडिकल में किसी ने आरक्षण दिया है, आदरणीय मोदी जी ने दिया है पहली बार। यही नहीं, पिछड़ा आयोग किसी ने बनाया आजादी के बाद तो आजादी मोदी जी ने बनाया, और पिछड़ा आयोग का चेयरमैन निषाद को बनाया। तो 5 काम तुम कर लो, बाकी मोदी योगी को छोड़ दो। पहला काम करोगे, नन्हे मुन्ने बच्चों से जीवन में गुटखा मत मंगाना। नंबर 2, शाम को घर पहुंचना तो मां बाप के चरणों में 5 मिनट मालिश करना। नंबर 3, बेटी पत्नी मां पर कभी हाथ मत उठाना। नंबर 4, एक विश्वा चबूतरा के लिए गांव गांव में भाई परिवार मत लड़ना। नंबर 5, शाम को जूस पी लेना, बाकी कुछ मत पीना। हरे हरे। मैं गारंटी से कहता हूं तुम्हारा परिवार खुशहाल होगा, तुम्हारा परिवार में अच्छे लोग होंगे,
बाकी मोदी योगी पर छोड़ देना। मैं गारंटी से कहता हूं, पक्की सड़कें होंगी, पक्का मकान होगा, पक्की नौकरी होगी, पक्की फ्री शिक्षा होगा, फ्री चिकित्सा होगा, महिलाओं की बेटियों की शादी करने का काम कोई करेगा, कारण योगी मोदी करेगा। मित्रों, मैं गारंटी से कह के जा रहा हूं, लेकिन ये पांच काम तुम करते रहना, लेकिन कमल को मत भूलना। यहां से जाने के बाद 100 घर में जाकर हम समझाएंगे कि मोदी योगी कमल को नहीं भूलना है। यदि ये आज है तो गुंडे जमीन में है, गुंडे डरते हैं कि जेल से निकलूंगा तो मेरी गाड़ी पलट जाएगी। अखिलेश यादव कहते हैं मैं आ रहा हूं, क्या करने आ रहे हो? मंदिर तोड़वाने आ रहे हो? बैकरणों पर बुलडोजर चलवाने आ रहे हो? क्या करने आ रहे हो? घर में लाल तार ठोक के लाल टोपी, अरे भारत मां के लाल यहां बैठे हैं तो लाल टोपी क्या करेगा? यहां भारत मां के लाल हो, लाल टोपी क्या करेगा? तो यहां आकर क्या करेंगे? बुलडोजर चलेगा, अतीक के प्रॉपर्टी पर चलेगा और मुख्तार के प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा। मित्रों, गरीबों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। मैं आपसे वंदन करने आया हूं, आपके चरणों में अभिनंदन करने आया हूं। मित्रों, केवल कमल खिला देना और 100 घर जाना है आप सबको। जाओगे 100 घर और मोदी योगी की प्रशंसा करोगे, करोगे पक्का? हाथ उठा के भाव पक्का? अपने स्थान पर खड़े होकर मोदी मोदी बोलोगे, मोदी जी को आशीर्वाद दोगे अपने स्थान पर खड़े होकर? मोदी 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 मोदी। अपने माता पिता की, अपनी अपने पत्नियों की हर हर महादेव।